हेलो बच्चों, ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो NIOS के माध्यम से 10th क्लास का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ये जो चैप्टर है ये मैथ का है, लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो उसको समझने के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है। इन द इक्वेशन इफ देयर इज ए वन वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज वन, दैट मीन्स इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए कोई इक्वेशन है इस प्रकार से है, x प्लस 5 इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है ना। और नीचे में देखिए और एक चीज लिखा है मैंने, इन द इक्वेशन इफ देयर इज ए टू वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज वन, दैट मीन्स द इक्वेशन इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दैट मीन्स इसमें दो वेरिएबल होगा, मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, इस प्रकार से होगा। अगर मान लीजिए कि कोई इक्वेशन इस प्रकार से होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा। ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाएगा क्योंकि इसका जो डिग्री है वो कितना है, वो 2 है। ठीक है ना। हमेशा एक बात नोट करना है आप लोगों को कि लीनियर इक्वेशन उसी इक्वेशन को कहेंगे जिसका डिग्री ऑफ इक्वेशन जो रहेगा वो कितना होगा, वो 1 होगा। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करके देखेंगे हम लोग, ताकि हम लोगों को और क्लियर हो जाए। देखिए, अब जो ये क्वेश्चन है आपके बुक का ही क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 5.1, जिसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आल्सो राइट देयर LHS एंड RHS। ठीक है, LHS का मतलब क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पे 2x प्लस 5 ये जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका LHS, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। और ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, RHS, दैट मीन्स ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को सबसे पहले पता करना है क्या ये लीनियर इक्वेशन है। तो देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, अब हम लोग को देखना है ये है, ये क्यों लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसका डिग्री ऑफ द इक्वेशन जो है 1 है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, और दूसरा ये वन वेरिएबल है, ठीक है ये वन वेरिएबल है क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है। दैट मीन्स ये पहला जो है ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर आप बुक का सॉल्यूशन भी देखते हैं तो इसमें लिखा हुआ इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन एक्स एज द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज 1। ठीक है, और इसका RHS मैंने आप लोगों को बताया, ये जो 2x प्लस 5 है ये इसका लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग LHS बोलेंगे। और जो 8 है ये आपका राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो ये आपका ये हो जाएगा RHS। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। तो इसमें भी देखिए, ये सबसे पहले देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है कि नहीं। लीनियर इक्वेशन तो है, बिकॉज यहाँ पे जो वेरिएबल है y, इसका पावर कितना है, 1 है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ इक्वेशन क्या होगा, ये 1 होगा। बट ये वन वेरिएबल में है कि नहीं है ये अगर देखेंगे आप, तो इसको मैं इसको सॉल्व करता हूं। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको पूरा सॉल्व कर दे, 3y माइनस जेड इक्वल टू वाई प्लस 5। ठीक है, उसके बाद और आगे हम लोग अगर जाएंगे तो 3y, उसके बाद में देखिए जैसे y को अगर इधर लेके आ जाते तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, दैट मीन्स ये y यहाँ था और इसको हम लोग कहाँ लेके आ जा रहे, इक्वल टू का इधर, तो ये क्या था, प्लस साइन में था। अब यहाँ आने से क्या होगा, नेगेटिव साइन माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और फिर इक्वल टू, और z यहाँ पे था और z को हम लोग इस साइड ले जा रहे हैं, तो ये माइनस में है, तो अब यहाँ पे z क्या हो जाएगा, यहाँ पे z आपका प्लस में हो जाएगा और प्लस 5। ठीक है, तो उसके बाद और आगे अगर हम लोग देखें तो ये किस तरह से बन जा रहा है, देखिए 3y माइनस y, दैट मीन्स हम लोग को क्या मिलेगा, 2y इक्वल टू z प्लस 5। ठीक है, और अगर इसको हम लोग एक ही जगह रख दे दोनों वेरिएबल को, 2y
माइनस जेड इक्वल टू फाइव। तो अब इसमें कितना वेरिएबल है, देखिए वाई और जेड दो वेरिएबल है, दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन तो है बट दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये दो वेरिएबल है इसमें, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं बोलेंगे। और क्वेश्चन में हम लोगों को बोला था कि सिर्फ वन वेरिएबल वाला को ही लेना है, इसीलिए नेक्स्ट वाला जो है ये हम लोग नहीं लेंगे। और देखिए इसमें भी बोला गया इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एज इट इज कॉन्टेन टू वेरिएबल वाई एंड जेड, और इसका जो एल एच एस है और आर एच एस है तो सिंपल सा बात है, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा वो उसका क्या होगा एल एच एस होगा, और जो राइट हैंड साइड है वो उसका क्या होगा आपका आर एच एस होगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन हम लोग देखेंगे ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पे सबसे पहले गौर करिएगा कि यहाँ पे जो डिग्री ऑफ द इक्वेशन है वो क्या है, वो टू है, दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। देखिए इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन एज हाइएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इज टू, और इसका एल एच एस सिंपल सा बात है, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको आप कहाँ लिखेंगे एल एच एस में, और जो राइट हैंड साइड है उसको आप कहाँ लिखेंगे आर एच एस में। अब नेक्स्ट ये वाला देखेंगे अगर हम लोग, तो इसको भी अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें भी सिर्फ क्या वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, ठीक है ना, दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन भी है और ये लीनियर इक्वेशन जो है ये वन वेरिएबल में है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है एक्स है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका भी बुक में जो लिखा हुआ वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपका फोर्थ नंबर में इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन एक्स एज द एक्सपोनेंट ऑफ एक्स इन बोथ एल एच एस एंड आर एच एस इज वन, दैट मीन्स ये जो वेरिएबल एक्स यहाँ का भी पावर वन है और यहाँ का भी पावर वन है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि दोनों सेम वेरिएबल है, ठीक है। अब लास्ट वाला का बात करें अगर हम लोग टू प्लस फोर इक्वल टू फाइव प्लस वन, तो सबसे पहला चीज क्या है, इट इज नॉट ए लीनियर इक्वेशन एज इट डज नॉट कॉन्टेन एनी वेरिएबल, क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है, देखिए ये पूरा का पूरा जो है कॉन्स्टेंट वैल्यू है, टू प्लस फाइव इक्वल टू फाइव प्लस वन, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है जिसके कारण इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बुक का ही है ये भी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो सबसे पहला वाला जो है देखिए इसमें कितना वेरिएबल है, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल है आपका z, और साथ ही साथ x का पावर अगर हम लोग देखें तो 1 है और z का पावर 1 है, तो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल जो है या डिग्री ऑफ इक्वेशन जो है वो आपका 1 है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें दो वेरिएबल है, दैट मीन्स ये भी आपका क्या है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये है आपका। नेक्स्ट वाला अगर हम लोग देखें तो इसमें भी दो वेरिएबल है, एक आपका वाई है एक आपका एक्स है, और दोनों का अगर हम लोग पावर का बात करें तो दोनों का पावर वन है, दैट मीन्स डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल क्या है इसका वन है, डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या है इसका वन है, और इसमें दो वेरिएबल है, तो ये भी क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके बाद लास्ट वाला का अगर हम लोग बात करें तो देखिए इसमें दो वेरिएबल नहीं है, इसमें सेम वेरिएबल है टी और टी, ठीक है, दोनों सेम वेरिएबल है, तो इस कारणवश इसको हम लोग नहीं लेंगे, ये लीनियर इक्वेशन तो है बट ये लीनियर इक्वेशन जो है सिर्फ वन वेरिएबल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए चेक योर प्रोग्रेस 5.1 भी हम लोग देख लेते हैं, काफी इजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो जैसे हम लोगों ने एग्जांपल देखा था सेम उसी प्रकार से देखिए। अब ये जो पहला वाला है इसमें कितना वेरिएबल है, अगर हम लोग देखें तो इसमें आपका एक वेरिएबल है, और जो इसका डिग्री है वो कितना है, मतलब जो पावर है वो कितना है, वो भी आपका वन है, ठीक है ना, दैट मीन्स ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो इसमें भी जो आपका वेरिएबल है इसमें दो है, देखिए दो टर्म है, एक एक्स है और एक जेड है, जिस कारणवश ये लीनियर इक्वेशन तो है बट ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो अब इसमें देखिए कि कोई भी
वेरिएबल टर्म तो है ही नहीं, ना तो x, y, z कोई भी नहीं है, दैट मीन्स ये आपका लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। और सबसे लास्ट वाला का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, पावर जो है वो आपका 2 है, जबकि लीनियर इक्वेशन में बोला गया है कि उसका जो डिग्री ऑफ द पॉलीनोमियल होगा, डिग्री ऑफ द इक्वेशन होगा, वो आपका 1 होना चाहिए, इस कारणवश ये भी नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो सिर्फ इन चारों में से सिर्फ एक ही इक्वेशन ऐसा था जो कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, Which of the following are linear equation in two variable? ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दो वेरिएबल हम लोग देखते हैं, इसमें दो वेरिएबल है और साथ ही साथ देखिए इसका जो पावर है वो 1-1 है, तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, 1 होगा, तो दैट मीन्स ये सही है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। उसके बाद वाला इक्वेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए इसका पावर कितना है, 2 है, दैट मीन्स ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला अगर हम देखें तो वेरिएबल इसका पावर, दोनों वेरिएबल का पावर तो 1 है, बट ये दोनों वेरिएबल सेम है और हम लोगों को क्या निकालना है, दो वेरिएबल, मतलब दो वेरिएबल चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए दो वेरिएबल होना जरूरी है, बट इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है, दैट मीन्स ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।